Hail India students, Kidzi Mansa welcomes you in concept time. In the previous video, we have learnt about marine animals. Hamari Pichli video me hamne marine animals kibarime tha. And today we will learn about amphibians and life cycle of frogs. और आज की इस वीडियो में हम एम्फेबियंस और फ्रॉक के लाइफ साइकिल के बारे में जानेंगे सो लेट्स स्टार्ट चलो शुरू करते हैं एम्फेबियंस आर दोज एनिमल्स विच कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वॉटर एम्फेबियंस वो एनिमल्स होते हैं जो पानी में और जमीन पर दोनों जगह रह सकते हैं जैसे कि फ्रॉग, टॉटस एंड क्रोकोडाइल आइए अब हम एक एक करके इनके बारे में जानेंगे दिस इज फ्रॉग टोड भी कहते हैं दे कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर ये पानी में और जमीन पर दोनों जगह रह सकते हैं और बच्चों आपको पता है जैसे आपको हॉपिंग रेस लगाना बहुत अच्छा लगता है ऐसे ही इनको भी हॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है और ये रेनी डेज में आपको अपने हाउसेस के बाहर भी देखने को मिलते हैं दिस इज टॉटस ये भी पानी में और जमीन पर दोनों जगह रह सकते हैं और आपको पता है इनकी शेल बहुत हार्ड होती है और जब ये बहुत डर जाते हैं तो ये अपने हेड और लेग्स को शेल के अंदर छुपा लेते हैं एंड टाटस वॉक्स वेरी स्लो ये बहुत धीरे धीरे चलते हैं आर नेक्स्ट एम्फीबियन इज क्रोकोडाइल डाइल हैज शार्प टीथ क्रोकोडाइल के टीथ बहुत तीखे होते हैं और इनकी बॉडी इतनी कांटेदार होती है जिससे इनको शिकार करने में बहुत हेल्प मिलती है और इन्हें मार्शी एरियाज यानी दलदल में रहना बहुत अच्छा लगता है और क्रोकोडाइल भी पानी में और जमीन पर दोनों जगह रह सकते हैं नाउ लेट्स लर्न अबाउट लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉक चलिए अब हम फ्रॉक के लाइफ साइकिल के बारे में जानेंगे दीज आर एग्स ऑफ फ्रॉग ये फ्रॉक के एग्स हैं कुछ दिनों के बाद ये एग्स ब्रेक हो जाते हैं और इसमें से टेट निकलता है बच्चों ये पोल की पिक्चर है जब टेट थोड़ा और ग्रो होता है तब उसके लेग्स निकल आते हैं दिस इज अ पिक्चर ऑफ टेटपोल विद लेग्स और जब टेट पूरी तरह से ग्रो हो जाता है तो वो फ्रॉग बन जाता है सो लेट्स रिवाइज द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग नंबर वन फ्रॉग सबसे पहले एग्स में होता है नंबर टू जब ये एग्स ब्रेक हो जाते हैं तो इसमें से टैटपोल निकलता है नंबर थ्री थोड़ा और ग्रो करने पर टैटपोल के लेग्स निकल आते हैं नंबर फोर जब फ्रॉग पूरी तरह से ग्रो हो जाता है तो ये फ्रॉग बन जाता है दिस इज अ पिक्चर ऑफ फ्रॉग तो बच्चों आपको फ्रॉग का लाइफ साइकिल समझ में आया वेरी गुड आई होप नाउ यू ऑल हैव अंडरस्टूड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ Amphibians and life cycle of frog. Take care. Bye bye.